टीम इंडिया में बलि का बकरा बने ध्रुव जुड़वेल और सरफराज खान, शुरू होते ही खत्म हो गया करियर, नहीं मिल रहा है टीम इंडिया में मौका। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर को, लेकिन क्या ध्रुव जुड़वेल और सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए या नहीं, जानते हैं फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीरीज का आखिरी मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। बता दें कि यह मुकाबला काफ़ी देरी से शुरू हुआ क्योंकि बारिश की वजह से आउटफील्ड जो है गीला था और रोहित शर्मा ने भी जो है प्लेइंग 11 में जो है बिना कोई बदलाव किए सीधे ही जो है इस मैदान पर उतर गई है। बता दें कि लेकिन इसी के साथ ही जो है भारतीय टीम के काफ़ी टैलेंटेड और ताबड़तोड़ बल्लेबाज ध्रुव जुड़वेल और सरफराज खान जो है महज दर्शक ही बनकर रह गए हैं और टीम इंडिया में मौका भी जो है नहीं मिला है। बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं सरफराज खान और ध्रुव जुड़वेल दोनों ही खिलाड़ी जो है रेड बॉल क्रिकेट में शानदार बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जो है कमाल का प्रदर्शन किए हैं। लेकिन फिलहाल सरफराज और ध्रुव जुड़वेल की जो है एकादश में सीनियर प्लेयर्स की वजह से जगह नहीं बन पा रही है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ जो है दूसरे टेस्ट में जो है बेंच पर ही बैठे नजर आए। बता दें कि केएल राहुल जो है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनकी जगह पर सरफराज को अजमाया जा सकता था जबकि कीपर के तौर पर जो है ध्रुव जुड़वेल जो है बन सकते थे या उनको चुना जा सकता था, फिलहाल उनको चुना नहीं गया। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, क्रिकेटरों के बीच में कंट्रोवर्सी और उनके बीच इनसाइड स्टोरी पर भी रहती है हमारी नजर। क्रिकेट के इंटरव्यू से लेकर उनके पर्सनल लाइफ तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।